दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक, ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, इसे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम साइनवेब इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, बुक कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों अब मैंने ये स्क्वायर इन्वर्टर के बारे में पहले बात कर चुका हूँ मैं। तो दोस्तों ये अमेजोन में अवेलेबल है, ये मिल जाती है, लेकिन आपको साइनवेब का लेना है। तो इसके लिए साइनवेब का इन्वर्टर अभी तक कहीं मिल नहीं रहा है। मैंने दिल्ली में भी ढूंढा था और अमेजोन में भी ढूंढा था, नहीं मिला। लेकिन ये एक बुक है साइनवेब की, जो कि हमें कंपनी के थ्रू मिला था। मैं जब कंपनी में काम कर रहा था तब। तो दोस्तों देख रहे हैं ट्रेनिंग मैनुअल ड्यू 800 प्लस साइनवेब कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। ये हम लोग का कंपनी से आया था, ये रिपेयर करने के लिए। ये साइनवेब बुक है, इसको देख के। तो दोस्तों देख रहे हैं ये साइनवेब इन्वर्टर की बुक है। ये मैं इसका PDF में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, वहाँ से आप इसको लिंक पर जाके विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपका PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट निकाल के आप भी ये बुक बना के आप यूज कर सकते हैं। तो ये बुक मिल जाएगी आपको। तो इसमें क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट पेज में जो देख रहे हैं आप, फर्स्ट पेज में जो इसकी इन्वर्टर आ रही है ड्यू की साइनवेब की 600 VA की आ रही है। मॉडल नेम 600 प्लस, ड्यू 800 प्लस, ड्यू 1400 प्लस। ड्यू का देखिए ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं आप। ये इसमें 4 मोस्फेट लगे हुए हैं, इसमें 4 चैनल होते हैं, यानी कि ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। एक डायोड, ये एक डायोड है, इसमें मतलब 0/12 पे ये काम करता है। और ये ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू इस पर आउटपुट होता है, इसे बैटरी चार्ज करता है। और जब ये स्विचिंग होता है उस हिसाब से ये आपका आउटपुट देता है। तो आप देख रहे हैं जब मेन लाइन जब देता है तो इसमें आता है, और जो ट्रांसफार्मर सीधे कनेक्ट हो जाता है ये, और उसी ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आपका आउटपुट हो जाता है। आउटपुट निकलता है, जब लाइट चली जाती है तो ये मेन से कट होके ये इसका कनेक्शन कट जाता है, तो ये मेन में करेंट नहीं जाएगा। और ये मेन सेंसिंग का कनेक्शन है, मेन प्रेजेंट है या नहीं है इसके बारे में इससे मालूम होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सर्किट बोर्ड में फीडबैक दिया जाता है, फ्लाईबैक फीडबैक सेंसिंग दिया जाता है इससे। तो ये सर्किट ये 2 रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें सप्लाई जाता है, और इसमें 4 डायोड लगते हैं, ये भी ब्रिज रेक्टिफायर बना के थ्रू दिया जाता है इसमें सप्लाई। तो ये इसमें सेंसिंग दिया जाता है। अगर ये काम नहीं करेगी दोस्तों, ये इन्वर्टर ओवरलोड दिखा सकता है, या फिर वोल्टेज बहुत हाई आउटपुट दे सकता है, लो भी दे सकता है। इस पीरियड में इसको आप चेक करना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं आप, ये ड्यू वाली है, ये 2 मोस्फेट से बनाया गया, मतलब ये स्क्वायर वेब है। उस कंपनी की जो है स्क्वायर वेब भी इन्वर्टर आती है, उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। कुछ 2 पेज है इसमें, उसमें 2 पेज में दिया गया है। तो इसमें भी वही है आपका 0/12 से चार्ज किया जाता है, और इसे स्विचिंग दिया जाता है हिसाब से चार्ज करता है 12/12 से। और जब मेन्स जब आता है तो ये यहाँ से इनपुट होते हुए ये चार्जिंग में चला जाता है, ये बैटरी को चार्ज करता है। जब मेंस आ जाता है, रिले हो जाता है, इसे छोड़ देता है, और ये आपका आउटपुट में आ जाता है, तो ये आउटपुट देने लगता है। देख रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो ये बीच में ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। ऑप्टोकपलर क्या करता है कि ये जब एक कट फ्यूज चला जाता है तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट हो जाता है यहाँ से, और न्यूट्रल जो है फिर यहाँ से प्रेजेंट हो जाता है, और न्यूट्रल यहाँ से मिलते हुए यहाँ से आ जाता है। तो ये न्यूट्रल फेज दोनों मिल जाता है, इसके थ्रू इसमें ऑप्टोकपलर का जो LED है वो जल जाता है। जलने के बाद में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो ये क्या होता है, 5 वोल्ट पास कर देता है, ये उसका माइक्रो कंट्रोलर में ये सप्लाई देता है। तो ये उसको सेंस करता है कि आपका फ्यूज गया हुआ है, इसे फ्यूज ब्लोन का इंडिकेशन करता है। तो इसमें ये दिया गया है दोस्तों। अब उसके बाद में ये देख इस पेज में दिया गया है फॉल्ट एनालिसिस प्रोसीड्यूर ड्यू 800 प्लस, मतलब इसमें कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा सामान खराब हो सकता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। ये पेज को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इसमें समझ में आएगा। जो देख रहे हैं आप, इसमें बुक है, इसको आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है इसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके आप समझ सकते हैं। अगर समझ में कुछ नहीं आ रही है तो हमसे बात कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों में, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट में वीडियो इसका अच्छी तरह से डिटेल्स क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।